हम लोग सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आ गया है। पहले था डॉबेराइनर, फेल हो गया। न्यूलैंड्स फेल हो गया। बाद में आया मेंडेलीव। मेंडेलीव ने सक्सेसफुली एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, लेकिन उसके टेबल में भी प्रॉब्लम्स थे। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किसने किया? हेनरी मोस्ले ने। और एक नया टेबल उसने बना दिया, वो टेबल का नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखा है। बस दो चीजें मैंने तुम लोगों को याद कराना है। वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला जाता है पीरियड। ओके, ये तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, याद रखना। देखो वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है ग्रुप्स एंड वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है पीरियड। ओके, ये तुम्हें याद रखना है। ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, है ना। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसे बोला जाता है पीरियड्स। ये याद रखना है। अभी हम लोगों को देखना है नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसका जो बेसिक आइडिया है ना, मैं तुम लोगों को बता देता हूं। पहले इस ये बताने से पहले कुछ चीजें हैं वो जो तुम्हें समझानी जरूरी है। पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस है? वैलेंस बैलेंस। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में मतलब देखो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो पहले शेल में कितने? दो गए। फिर दूसरे शेल में कितने? आठ, दो दो चार पांच छह सात आठ। और लास्ट शेल में कितने आए यहां पे? एक। तो ये हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2.8.1, सही है। देखो एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2.8.1। इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करना है। पहले शेल को बोला जाता है एन, सॉरी के, पहले शेल को बोला जाता है के, दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन। याद रखना है ये चीज, याद रखना है, पहले ही बोल रहा हूं। देखो वापिस एक बार बताता हूं, ध्यान देना। देखो ये तुम्हारा समझो न्यूक्लियस है, ये पहला शेल के शेल, पहले शेल को नाम क्या दिया है? के। दूसरे शेल को नाम क्या दिया है? एल। तीसरे शेल को नाम क्या दिया है? एम। और चौथा शेल जो होता है उसको क्या नाम दिया है? एन। ओके, याद रखना ये, पहले शेल का नाम है के, दूसरे का एल, चौथे का, तीसरे का एम एंड चौथे का एन। शेल का नाम है ये, पहले शेल का नाम के है, दूसरे का एल, तीसरे का एम एंड चौथे का एन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर से। याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर से। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करो, पहले शेल में कितने गए? दो, 1 2। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। एल शेल में मतलब सेकंड शेल में कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बच्चे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। 8 + 2 = 10, 11 है ना सोडियम, तो बच्चा 8, तो लास्ट शेल में एम, तो ये शेल नहीं आएगा, एन शेल नहीं आएगा। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? लास्ट शेल में, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस है कितना बैलेंस है? 1, तो ये हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो पता चला। ओके, वैलेंस शेल मतलब क्या वो पता चला। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख सकते हैं, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप मतलब क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल लाइंस जो है उन्हें बोला जाता है ग्रुप।
ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला जाता है पीरियड। ओके, तुम लोग दो चीजें याद रखना है, पहले है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है नंबर ऑफ शेल्स। ये दो चीजें याद रखना है, पूरा का पूरा तुम लोगों को थ्योरी आराम से याद आ जाएगा, मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ शेल्स ये तुम्हें याद रखना है। ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप मतलब क्या? ग्रुप मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, इन्हें बोला जाता है ग्रुप। ओके, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहां पे एक डायग्राम दिया है, देखो ग्रुप नंबर वन ये पहला ग्रुप है, वर्टिकल लाइन। ओके, ग्रुप नंबर वन वर्टिकल लाइन है ना। ओके, चलो देखते हैं कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ओके, चलो चेक करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसे बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप में देखो, ग्रुप में देखो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके लास्ट शेल में, एक। लिथियम लास्ट शेल में कितने हैं, एक। सोडियम लास्ट शेल में कितने हैं, एक। एंड पोटेशियम लास्ट शेल में कितने हैं, एक, है ना। मतलब क्या है, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। क्या बोला, समझा? देखो पहला कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप मतलब क्या, वर्टिकल लाइन। ग्रुप मतलब क्या, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन में देखो ये पहला वाला ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन है लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फिर पोटेशियम लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, ग्रुप में लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप में लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, अभी नंबर ऑफ शेल्स देखते हैं ग्रुप में, किसमें, ग्रुप में अभी हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ शेल्स। ग्रुप में अभी हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ शेल्स। तो पहला ग्रुप पकड़ लो, देखो इसमें कितने शेल आएंगे, एक। इसमें कितने शेल आएंगे, वन टू, दो शेल। यहां पे एक शेल आएगा, यहां पे दो शेल आएंगे, देखो सोडियम थर्ड, एक दो तीन, तीन शेल, और आगे चार सेल, पांच सेल, सिक्स एंड सेवन शेल, सही है। तो इसका मतलब क्या, जब हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो यहां पे वन, यहां पे टू, यहां पे थ्री, यहां पे फोर, और तीसरी चीज तो दो चीजें ये समझी। ओके, ग्रुप में क्या हो रहा है, मैं ये बता रहा हूं ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं। ओके, दो चीजें देखनी है ग्रुप में मुझे, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ शेल। ग्रुप मतलब क्या, वर्टिकल लाइन। ग्रुप मतलब क्या, वर्टिकल लाइंस। ग्रुप मतलब क्या, वर्टिकल लाइंस, याद रखना ग्रुप मतलब क्या, वर्टिकल लाइंस। तो ग्रुप नंबर वन, इसमें जो एलिमेंट्स है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है वो देखते हैं। देखो ग्रुप नंबर वन ये सारे आ गए वर्टिकल लाइन में। ओके, इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। देखो हाइड्रोजन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वन। लिथियम लास्ट शेल में कितने है, वन। सोडियम लास्ट शेल में कितना है, वन। पोटेशियम लास्ट शेल में कितना है, वन। मतलब क्या है, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप में देखो ग्रुप नंबर वन जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम। समझे मैं क्या बोला? ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझा। अभी नंबर ऑफ शेल्स, ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स के बारे में देखते हैं। ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स, देखो ग्रुप नंबर वन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हाइड्रोजन कितने शेल है, वन। लिथियम कितने शेल है, वन एंड टू, दो शेल है। सोडियम कितने शेल्स है, तीन। पोटेशियम कितने शेल्स है, चार। मतलब ग्रुप में जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, ग्रुप में मैं जब टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। सेम क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं।
ओके एंड नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग टॉप टू बॉटम। ओके ग्रुप नंबर टू भी देख लो, देखो बेरिलियम, बेरिलियम लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू। ओके मैग्नीशियम लास्ट शेल में कितना है, टू। कैडमियम लास्ट शेल में कितना है, टू। देखो लास्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्रुप, ये देखो ग्रुप नंबर टू मतलब वर्टिकल लाइन है ना, ग्रुप नंबर टू वर्टिकल लाइन। तो इसमें देखो लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, सेम। हाँ नंबर ऑफ शेल्स देखते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या है, यहाँ पे कितने हैं, दो। बेरिलियम के शेल्स कितने हैं टोटल, वन टू, दो दो है। मैग्नीशियम के तीन, कैडमियम के चार, मतलब टॉप टू बॉटम ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, समझे ग्रुप। तो ये दो चीजें तुम्हें हमेशा याद रखनी है, ग्रुप में क्या हो रहा है, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ग्रुप में। देखो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, सारे ग्रुप देख लो, सारे के सारे देखो, वन 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 मतलब लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर टू भी देख लो, टू 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 लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स। हाँ टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है ना। ग्रुप टू भी देख लो, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है, मतलब टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। यह है तुम्हारा ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही डायग्राम से समझाऊंगा, ध्यान दो। ओके पीरियड मतलब क्या, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस। अभी पीरियड के बारे में देखेंगे, पीरियड ओके पीरियड के बारे में देखेंगे, सेम चीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा क्या, नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड में देख रहे हैं हम लोग, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो चलो सेकंड पीरियड देखते हैं, है ना, ये वाला लाइन सेकंड पीरियड मतलब ये पूरा लाइन। ओके तो देखो पहले क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला है देखो लिथियम, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वन। बेरिलियम ओके टू, बोरॉन ओके थ्री, कार्बन फोर है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फरस नियॉन। देखो लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पीरियड देख रहा हूं क्योंकि पीरियड के बारे में, ग्रुप के बारे में थ्योरी हो गया है, अभी पीरियड के बारे में देखते हैं। सेम दो चीज को देखना है, सेम ये दो चीज को ही देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ शेल। ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ शेल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ओके पीरियड में, पीरियड कौन सा पकड़ा मैंने, पीरियड टू पकड़ा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड वाला। लिथियम लास्ट शेल में कितना है, वन। बेरिलियम लास्ट शेल में कितना है, टू। बोरॉन लास्ट शेल में थ्री, मतलब क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। ओके वैलेंस पीरियड में क्या होता है, पीरियड में लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, कितने से, देखो वन से, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री फोर है ना, सही है। ओके इसमें तीन चीजें देखनी है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर भी देखते हैं। ओके तीन चीजें देखनी है पीरियड में, हमें तीन चीजें देखनी है। देखो पीरियड, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट, तो हमें पहले क्या देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये हुआ तुम्हारा सेकंड पीरियड, इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम वन है, बेरिलियम टू है, बोरॉन थ्री है, कार्बन चार है, ओके नाइट्रोजन पांच है। ओके मतलब क्या हो रहा है, पीरियड में लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे बाय वन है ना, मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। अभी नंबर ऑफ शेल्स देख लो, सेकंड नंबर ऑफ शेल्स ग्रुप टू ही देखते हैं, सॉरी पीरियड टू ही देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। नंबर ऑफ शेल्स कितने शेल है, लिथियम के दो शेल, बेरिलियम के कितने शेल, दो शेल, बोरॉन के भी दो शेल, कार्बन के भी दो शेल, नाइट्रोजन के भी दो शेल,
मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। देखो उल्टा हो रहा है, ग्रुप में क्या होता था, ग्रुप में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे थे, है ना, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे, उल्टा हो गया, है ना। ग्रुप में देखो, ग्रुप में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में, ग्रुप में बोल रहा हूं, ग्रुप में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते थे, और नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं यहां पे, इंक्रीज हो रहे हैं। अभी पीरियड में देखो, पीरियड में देखो, पीरियड में सेकंड वाला पीरियड देखो क्या हो रहा है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, मतलब यहां पे लास्ट शेल में 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, यहां पे 6, यहां पे 7, मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, है ना, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ शेल्स देखो, सेकंड पीरियड में ही देख लो, यहां पे दो शेल है, दो शेल, दो शेल, दो 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 दो, मतलब नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। अभी एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर आल्सो इंक्रीजिंग, कैसे, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, इंक्रीज होता है, कैसे, देखो पीरियड में देख लो, मैंने तुम लोगों को बोला था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेनरी मोस्ले ने बताया था ये, है ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकंड पीरियड देख लो, सेकंड वाला पीरियड मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2.1, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो एटॉमिक नंबर भी कितना हुआ, 3, एटॉमिक नंबर भी 3। ओके, बेरियम इलेक्ट्रॉन कितने, 2 and 2, 2 + 2, 4, एटॉमिक नंबर भी 4। ओके, बोरॉन कितना आएगा, 2 + 3, 5, कार्बन 2 + 4, 6, मतलब क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली देखो, हॉरिजॉन्टली मतलब पीरियड में एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पीरियड में एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये तुम्हें याद रखना है। देखो याद रखना, मैंने तुम लोगों को दो चीजें अभी सिखाई, पहले ग्रुप, ग्रुप में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ शेल्स, ये याद रखना है, ग्रुप में क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ शेल क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या सेम रहता है, वो तुम्हें लिखना है। उसके बाद क्या, पीरियड, पीरियड में तीन चीजें लिखनी है तुम्हें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, सेम, एंड एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, इंक्रीज। पूरा थ्योरी मैंने ये तुम्हें लॉजिकली एक्सप्लेन किया है इससे, ओके, ये याद रखना है तुम्हें। ओके, ये पूरा थ्योरी मैंने तुम लोगों को लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया है, आगे देखते हैं शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके, शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ओके, देखो जो तुम्हारा एटम होता है उसमें हर शेल का कैपेसिटी कितना होता है, फॉर एग्जांपल देखो, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ओके, और ये चौथा शेल। पहले शेल को हम लोग क्या बोलते हैं, के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, एंड चौथे शेल को बोलते हैं एन। ओके, यहां पे देखो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, तो यहां पे आएगा 2। दूसरे शेल में कितने रहते हैं, 8। तीसरे शेल में कितना, 18, और 8, और 8 भी हो सकता है। ओके, एन शेल 32। ओके, देखो के शेल, के शेल नंबर 1 है, के शेल नंबर 1 है, तो एन इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कैसी आई, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे, 2, कैसे, उसका एक फॉर्मूला है, 2n^2। ओके, ध्यान दो, ओके, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 2, क्यों, उसका एक फॉर्मूला है, 2n^2, ओके, 2 × ओके, के शेल का नंबर क्या है, नंबर 1 है, तो n इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, समझे, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। चलो नेक्स्ट शेल के बारे में देखते हैं, एल, इसका रैंक क्या है, 2, है ना, एल शेल सेकंड शेल है, तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा, 2, ओके, 2 × देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 × 4 = 8, है ना, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे,
एट। अभी तीसरा शेल, तीसरा शेल तो यहां पे कितना आएगा, थ्री। देखो यहां पे टू इंटू थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर कितना नाइन, एंड टू नाइन जा 18। ओके 18 और 8 ये याद रख लेना। फोर्थ शेल में कितने आते हैं 32, मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। ओके ये इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, मतलब के शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, एल शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। ओके एम शेल, शेल में कितने 18 और 8, एन शेल में 32, ये याद रखना है, याद रखना है ये। ओके अच्छा मुझे एक चीज है जो शायद तुम्हें पता रहनी तो चाहिए, लेकिन फिर भी देखो ये कैपेसिटी कैसे आया, ये फॉर्मूला से, के का के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, दो, क्यों, ये फॉर्मूला, के शेल का नंबर क्या है 1, तो एन का वैल्यू 1 डालो, कैलकुलेट करो, फिर समझो एल शेल का नंबर क्या है 2, सेकंड शेल है ये, यहां पे 2 डालना है, एम शेल का रैंक क्या है 3 है, तो यहां पे 3 डालना है। ओके कैलकुलेट करना है, मिल जाएगा तुम्हें आंसर। ओके ओके मुझे एक चीज बताना कि जो कोई भी शेल, सॉरी कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन, ये मैंने बताया था तुम लोगों को इनर्ट गैसेस का, मैं जब बता रहा था तुम लोगों को तब ये मैंने बताया था, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कब करेगा और कब नहीं करेगा, सिंपल है। देखो अगर एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल या एटम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में, याद रखना ये। ओके और पार्टिसिपेट कब करेगा, अगर लास्ट शेल उसका इनकंप्लीटली फिल है, फॉर एग्जांपल यहां पे, चलो ये भी एक एग्जांपल दे देता हूं तुम लोगों को, देखो यहां पे देखो कंप्लीट कब होता है, कोई भी शेल कंप्लीट कब होता है, जब उसके लास्ट शेल में, लास्ट शेल में दो, टू और एट, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो इसे बोलेंगे ड्यूप्लेट, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे बोलेंगे ऑक्टेट। अगर एटम के लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बोलेंगे एटम कंप्लीट है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो तभी भी हम लोग मानेंगे वो कंप्लीट है और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एग्जांपल देखो हीलियम, हीलियम के आउटर, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, देखो हीलियम, हीलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो क्या आएगा उसका स्ट्रक्चर देखो 1 2। के शेल, के शेल कंप्लीटली फिल है ना, पहला ही शेल ना, के शेल कैपेसिटी कितना है 2 फिल है, याद रखना ये चीज। अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स है या 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एलिमेंट कंप्लीट है। ओके अगर वो कंप्लीट है तो किधर पार्टिसिपेट करने नहीं जाएगा। देखो ये हुआ तुम्हारा हीलियम, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, कंप्लीट है। हाँ अभी लिथियम देखते हैं, लिथियम, लिथियम कितने है 2, 1, मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 2 और दूसरे शेल में कितने आया 1। देखो लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल, एक ही। ओके तो लिथियम कंप्लीट है क्या, नहीं कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक तो दो चाहिए नहीं तो 8। ओके लिथियम को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सही है ना, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लास्ट शेल में इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम कंप्लीट है क्या, नहीं, तो लिथियम केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, क्यों, क्यों लेगा वो, अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, समझे। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब हीलियम, हीलियम कंप्लीट है तो ये किधर भी पार्टिसिपेट करने नहीं जाएगा। लेकिन लिथियम देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके 1, तो ये कंप्लीट है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट शेल में अगर 2 होगा या 8 होगा तो ही इसे कंप्लीट माना जाएगा, लेकिन कितने हैं, एक ही है, तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, ये तुम्हें याद रखना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं ये,
ओके, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यही मैंने एक्सप्लेन किया तुम लोगों को अभी। देखो द केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा क्या, यह हमें कैसे पता चलेगा, उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जाम्पल अभी वापिस एक बार देखते हेलियम लिथियम, ओके लास्ट शेल में कितना होता है हेलियम के 1, 2, ओके और लिथियम के लास्ट शेल में कितने होते हैं, लास्ट शेल में होता है उसके 1 इलेक्ट्रॉन, ओके तो हेलियम कंप्लीटली फिल्ड है। देखो कैसे पता चला, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, है ना, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना 2, लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना 1। समझे, तो ये तुम्हें जानना पड़ेगा, याद रखना ये, ओके ये कंप्लीटली फिल्ड है हेलियम क्या कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा क्या, नहीं लिथियम लेगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन, इसको कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, क्योंकि 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में तो कंप्लीट हो जाएगा, कितना कम है 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, ओके। द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ, तो मुझे मुझे एक बात बताओ, मुझे ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चला, टेबल से पता चला, देखो टेबल से पता चला इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये कंप्लीट है क्या, नहीं सीधा पता चल गया ना, मुझे ये ड्रॉ करने की जरूरत है क्या, नहीं, लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये इनकम्प्लीट है, तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हीलियम देखो लास्ट शेल में कितने हैं 2 है, कंप्लीट है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो टेबल से मुझे इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा यूजफुल है, ओके उसका बताया, ओके ये हुआ तुम्हारे ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो ग्रुप है उसका इंफॉर्मेशन तुम्हें मैंने बताया एंड पीरियड है उसका इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें बताया, ओके ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ये तुम लोगों को मैं पहले ही बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग से चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, रोज वीडियोस देखो तभी ये समझने वाला है,